सो आगे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद अपने नेक्स्ट जहाँ से अपने क्लोज किया था इसको, उसके बाद से आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो मैंने आपको करवाया था, कहाँ तक करवाया था? मैंने आपको थर्मल इक्विलिब्रियम तक करवाया था, है ना? थर्मल इक्विलिब्रियम के आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, रूल। देखिए थर्मोडायनेमिक्स जीरोथ रूल क्या होता है। मान लो आप तीन बॉडीज लो, है ना, मतलब कोई तीन चीज लो। एक कोई चीज ले लो आप ए, दूसरी आप कोई चीज ले लो बी, और थर्ड आप कोई चीज ले लो सी, है ना। सबसे पहले आप क्या करो, ए और बी को आपस में कांटेक्ट में रखो, है ना, आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में रखो, और सी को उससे अलग कर दो। ये जो सी है इसको यहाँ से इसे अलग कर दो। अब देखो होगा क्या, ए और बी है वो आपस में हीट का इंटरचेंज करेंगे, और कुछ टाइम बाद किस में आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। यानी कुछ टाइम बाद एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिसमें ए इक्वल होगा किसके, बी के। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आप क्या करो, सेकंड स्टेप में आप ए को आप एक बार अलग कर दो, और आप बी और सी के बीच में इंटरचेंज करवाओ हीट का, है ना। बी और सी है उनके बीच में हीट का इंटरचेंज करवाओ। कुछ टाइम बाद बी और सी है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, मतलब सेटिस्फाई हो जाएंगे, उनके बीच में भी क्या आ जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम, है ना। और अब आप क्या करो, अब आप तीसरी स्टेज में जब आप ए और सी को थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर आप लाओगे, मतलब कांटेक्ट में रखोगे, तो आप ये नोटिस करोगे कि ये तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में। तो डायरेक्टली इससे सीधा सा पता चलता है कि ए डेफिनेटली सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। कहने का मतलब ये है, अगर एक कोई बॉडी ए किसी दूसरी बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और अगर कोई बॉडी बी कोई बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी है वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, 110% होगी, पक्का होगी, है ना। तो ऐसा है कुछ रूल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड में बर्फ लिया और 100 डिग्री वाला पानी लिया, और एक मान लो 60 डिग्री वाला नॉर्मल पानी लिया, है ना। पहले इन दोनों को कांटेक्ट में रखो तो इनका कुछ टेम्परेचर आ जाएगा 40, फिर इन दोनों को कांटेक्ट में रखोगे तो इनका कुछ टेम्परेचर आ जाएगा 40 के लगभग। जब आप इन दोनों को आप इक्विलिब्रियम में करोगे तो उससे होगा क्या, उससे आप पाओगे कि ये दोनों तो पहले से ही थर्मल इक्विलिब्रियम में। देखो यहाँ से आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये तो 0 और 60 है, चलो इनके बीच के आ गया 40, बट यहाँ ये कैसे हुआ, मतलब 60 और 100 है उनके बीच का, तो कुछ बीच की वैल्यू आनी चाहिए, ऐसा ना। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ दो चीज़ें थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहाँ तीन चीज़ें थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और तीसरी चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो है आपकी सराउंडिंग। तो सराउंडिंग है वो मान लो 15-16 पे है तो ये 40 आएगा, और अगर सराउंडिंग 35-36 पे है ये थोड़ा सा 41 point something या ऐसा कुछ आएगा। कहने का मतलब अगर ए कोई चीज़ है उसको बी के साथ कांटेक्ट में रखो, कुछ देर बाद दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। फिर बी कोई चीज़ है उसको सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में रखो, कुछ टाइम बाद उनका दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो लास्ट में जब आप ए और सी को थर्मल इक्विलिब्रियम में रखोगे तो वो पहले से ही इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि वो उनका पहले से ही टेम्परेचर है वो बराबर। ठीक, सो लगता नहीं कि ये, मतलब वैसे एक चीज़ सुनो, ये जो 4-5 लेक्चर है ना जो मैं अब करवा रहा हूँ, मतलब इनका मैंने एक, हाँ पहले मैं ये सोच रहा था कि ये पूरा चैप्टर है ये PPT पे करवाते हैं, है ना, मतलब जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है उस पे करवाते हैं, बट बाद में ड्यू टू मूड चेंज मैंने नहीं करवाया। तो फिर वो जो PDF है वो मैंने डाल दी थी आपके, देखना शायद पहली वीडियो या दूसरी वीडियो उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो उसके अंदर ये रिटर्न है ना थर्मोडाइनमिक्स का,
जीरो थ्रू, वहाँ पे रिटर्न है, आप लोग आराम से उसको देख सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो करेंगे, फिर सोल्व लेना, देख लेना। आगे देखते हैं, अब आपको एक छोटा सा टॉपिक करवाता हूँ, ठीक है। उस टॉपिक के बाद वीडियो एंड करेंगे, 15-16 मिनट का वीडियो होता है, तो स्क्रीन टाइम के हिसाब से उसको ख़त्म करेंगे, है ना। तो देखो, आगे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, वर्क डन इन एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ ए गैस। देखो, मान लो ये कोई वेसल है, इसके अंदर आपने भर दिया किसी गैस को, आपने इस वेसल के अंदर किसी गैस को भर दिया, है ना, फिल कर दिया, और ऊपर आपने इसके किसी पिस्टन को लगा दिया। ये कोई पिस्टन है, पिस्टन का मीन हुआ कि ये कोई पंप है, या पिस्टन आप जानते भी हो, इससे आप इस गैस को अंदर प्रेस कर सकते हो, है ना, और इसको बाहर कर दोगे तो गैस को थोड़ा सा फैलने के लिए जगह मिल जाएगी। अगर आप इस गैस को थोड़ा सा प्रेस करते हो तो ये गैस है ये थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी, है ना। हम करते भी है ऐसा नॉर्मली, आप देखते हो जो आपके घरों में LPG सिलेंडर वगैरह है या और चीज़ें हैं, उनके अंदर जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में आती है। तो उसको लिक्विड फॉर्म में लाया कैसे, उसको लिक्विड फॉर्म में ऐसे ही तो लाया, कैसे उसको कंप्रेस किया, है ना। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप इस पर बाहर से फोर्स लगाओगे तो आप कुछ ना कुछ वर्क करोगे, है ना, और आपके वो वर्क करने से जो गैस है वो क्या हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। अब हमें ये फाइंड करना है कि वो जो हमने वर्क किया वो किया कितना, ठीक है, कितना वर्क करें कि गैस है वो इतनी कंप्रेस हो जाए। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि एक गैस है, उसके ऊपर आपने प्रेशर, आपको प्रेशर लगाना है 2000 न्यूटन का, है, और मैं आपको बोलूं कि उसके वॉल्यूम को करना है 5 मीटर क्यूब से 3 मीटर क्यूब कर देना है ना, इतना छोटा कर देना है गैस को, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा और देखेंगे फिर करेंगे इसको, है। आप एक चीज़ देखते हो कि कभी भी आप वर्क डन कभी भी करो, ठीक है, आप वर्क डन का नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ के आए हो 10th वगैरह क्लास में, DW इज इक्वल टू क्या होता है, F.dr। भी हम कभी भी वर्क करते हैं कोई भी चीज़ पे, तो छोटा सा वर्क करते हैं DW, वो क्या होता है, F.dr। अगर आपको पूरा वर्क करना है तो आप DW का क्या कर दो, इंटीग्रेशन, यानी F.dr का, ठीक है। ये आपको पता चलेगा, एक आपके चैप्टर है वर्क एनर्जी थियोरी, वहाँ आपको ये पता चलेगा कि जब भी पूरा वर्क निकालते हैं ना, तो जो DW है उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो W कितना आया, FDR। अब आपको एक चीज़ पूछता हूँ, मैंने आपको फ्लूइड वाला चैप्टर करवाया, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रेशर होता है आपका वो होता है फोर्स अपॉन में एरिया, यही। तो आपका जो फोर्स है वो कितना आ गया, फोर्स आपका आ गया प्रेशर इनटू में एरिया, सही। यानी मैं ये लिख सकता हूँ कि जो आपका F है वो कितना आ गया, प्रेशर इनटू में। अब देखो, यहाँ फोर्स की जगह क्या रखते हो, प्रेशर इनटू एरिया और dr। अब देखो, आपने इस पे कुछ प्रेशर लगाया, 2 का लगा लोगे, 4 का लगा लोगे, 5 का लगा लोगे, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर आप लगा दोगे, ठीक है। अब बात आई A.dr की, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी सिलेंडर है, इसका एरिया कितना है, ये नीचे वाला एरिया, ये एरिया है पाई r स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया है,
और ये इसकी क्या है, लेंथ है एल या एच, तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम। कहीं भी करके देख लो आप, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू में लेंथ। कोई भी शेप में करके देखो, जैसे ये मान लो कोई क्यूब है, इस क्यूब के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक सरफेस है, इसका एरिया कितना होगा, ये स्क्वायर होगा तो एक ही स्क्वायर, और इंटू में इसकी ये लेंथ है ए, ठीक है, तीनों लेंथ सेम होती है, तो ए की क्यूब जो कि क्या है, तो कहीं भी जा लो आपका जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम आपका होता है एरिया इंटू में लेंथ, ये डिफाइन है मतलब, ठीक है। तो फिर यहाँ आप एक चीज़ एज्यूम करो, आपने ये जो पिस्टन है इसको यहाँ से यहाँ खिसका दिया मान लो, तो आपने पिस्टन को कितनी लेंथ ट्रेवल करवाई, डी आर, वही जो डिस्प्लेसमेंट करवाया वही तो है डी आर, ठीक है, और ये इसका क्या है एरिया। अगर आप इस एरिया को डी आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वाला वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि एरिया इंटू में डी आर क्या होता है, वॉल्यूम डी वी, और ये वॉल्यूम असल में पूरा वॉल्यूम नहीं है, ये तो वो वॉल्यूम है जिसमें क्या आया, चेंज आया, है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एरिया डॉट डी आर को। अब मान लो पहले इसका वॉल्यूम था वी वन, तो आप वर्क को कहाँ से कहाँ करना स्टार्ट करोगे, वी वन वॉल्यूम से, और कहाँ तक ले जाके वर्क करना बंद कर दोगे, वी टू। तो जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला वर्क का, वो होता है आपका इंटीग्रेशन वी वन से वी टू पी डॉट डी। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से रिमेम्बर करना है, पढ़ना है इसको, बाय।